फाइनली व्यापम ने पीडीएफ भी निकाल दी है 37 पेजों की। इस पीडीएफ का एनालिसिस करना किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी होता है। अगर बात करें मेरी, तो मैंने लगातार आपको जानकारी, जॉब अपडेट अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो दे ही रहा हूँ। 3 पहले ही मैंने जॉब अपडेट डाला था जिसमें मैंने बताया था पीवी का रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसमें कई बच्चों ने पूछा था कि इससे क्या फर्क पड़ता है। बच्चों हर एक चीज से फर्क पड़ता है, मोटिवेशन मिलता है, सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मैथ्स रीजनिंग जीके की तैयारी करना चाहते हैं। तो 1-to-1 यहाँ पर हम क्लासेस चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो वैकेंसी आई है जेल पहरे की उसका डिटेल देखते हैं। इस वीडियो में हम सारी डेट्स, फीस, डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा शारीरिक मापतौल जो होती है वो क्या चाहिए होगी, इसके अलावा जो है एज लिमिट कितनी मांगी गई है उस पर चर्चा करेंगे, इसके अलावा लिखित किस तरह से होगा, फिजिकल किस तरह से होगा, ठीक है, लिखित में सिलेबस क्या रहेगा, क्या आय रहेगी और इंपॉर्टेंट आरक्षण क्या रहने वाला है, और मैं अपना भी व्यू दूंगा कि क्यों आपको ये परीक्षा देनी ही चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, वो जेल पहरी बिल्कुल सिंपल सी बात है, 10वीं पास इसमें मांगा गया है, इस वजह से आपको दे देना चाहिए। एज भी बहुत कम है, मात्र 18 साल का व्यक्ति इसे भर सकता है। जो भी 18 साल क्रॉस कर गया हो, वो किसी भी कैटेगरी का हो और वो मध्य प्रदेश का निवासी हो, तो वो यह फॉर्म भर सकता है। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो डेट देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डेट है 27 जुलाई, तो 27 जुलाई से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद दूसरी डेट है 10 अगस्त, तो 10 अगस्त तक आपके फॉर्म मिलेंगे। मतलब टोटल डेट जो दिन आपको मिल रहा है, क्योंकि जुलाई होता है 31, मतलब 14 दिन का समय आपको फॉर्म भरने का मिलेगा। एक बात और, आप इसमें मत रहना कि डेट पड़ जाएगी। क्लियर है? व्यापम डेट नहीं पड़ाता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो लास्ट में भी ना जाए, क्योंकि सर्वर डाउन जैसी समस्या या सर्वर कई बार परेशान करता है, नेट भी दिक्कत करता है, इस वजह से आप लास्ट डेट कंसीडर ना करें। अगर आपको निकलना है तो डेट पर भर दें, और मैं तो कहता हूं 27 तारीख को ही फॉर्म भर दें। अगर आपका फॉर्म कुछ गलत भर गया तो आपको 5 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 15 तारीख तक। हालांकि सुधार आप 27 तारीख को भी कर सकते हैं, उसका कुछ चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जैसे लास्ट डेट पर गए और आप फॉर्म नहीं भर पाए, तो आप 15 तारीख मतलब 15 अगस्त को भी आप संशोधन करा सकते हैं। इसके अलावा फीस की बात करें तो जनरल मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसकी फीस है ₹500। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और जो निःशक्त जन होते हैं उनकी फीस होगी मात्र ₹250। क्लियर है? तो ये फीस का डिटेल है। इसके अलावा जो 50 और 20 रुपए है तो वो आपका एमपी क्योस्क वाला ऑनलाइन वाला ले सकता है। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा लगातार देखती रहो चीजें, मैंने डॉक्यूमेंटेशन को इसी ग्रुप पर बनाया है। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एक एक डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना होता है, और मैंने समय दिया था। देखो अब आपको डॉक्यूमेंट फिर से करवाना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? तो सबसे पहली बात मार्कशीट, कम से कम 10वीं की मार्कशीट हो। इसके अलावा जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की है वो सारी मार्कशीट आपको लेकर जाना है। दूसरा है रोजगार पंजीयन, मैंने बताया था रोजगार पंजीयन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन होता है, ये फ्री होता है। अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप वीडियो देखकर भी आप रोजगार पंजीयन मध्य प्रदेश का करा सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा पीबी अकाउंट, जिसको हम प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, तो इसका नंबर लगेगा पीबी अकाउंट प्रोफाइल का। क्लियर है? ये एक बार बनती है और इसमें सारी मार्कशीट सारी चीजें आपकी अपडेटेड होती हैं। फोटो आपका रिसेंट का चाहिए होगा, पुराना फोटो नहीं चलेगा। इसके अलावा आधार कार्ड। क्लियर है? इसके अलावा एक बात और बताता हूँ, फॉर्म आपको खुद भरने जाना होगा। क्लियर है? क्योंकि उसमें थम इंप्रेशन वगैरह लगते हैं, इस कारण से आप फॉर्म ऐसा नहीं कर सकते कि घर पर बैठे बैठे या किसी और को भेज दें और भर लें। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 10वीं अगर पास है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, हाई स्कूल चाहिए है। शारीरिक मापतौल की बात करते हैं, तो ऊंचाई जो है लड़कों को 165 सेंटीमीटर चाहिए होगी। क्लियर है? वहीं गर्ल्स की बात करें तो 158 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए होगी गर्ल्स के लिए।
इसके अलावा अगर सीना की बात करें तो लड़कों को फूला हुआ सीना, इस तरह से फुलाना होता है सीना जब फिजिकल होने से पहले, तो वो होना चाहिए 83 सेंटीमीटर का। क्लियर है? तो आप पुशअप करें अगर आपके नहीं है डिटेल। और भी मैं बता दूं, बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं, आप आगे जाके मैं बताने वाला हूं। शारीरिक अपंगता नहीं होना चाहिए, ये कंसिडर नहीं होता किसी भी जॉब में, ना तो सेना में ना ही पुलिस में। शारीरिक अपंगता मतलब कोई भी आपका हाथ पैर खराबे, क्योंकि इसमें फिजिकल का काम है। क्लियर है? तो शारीरिक अपंगता। इसके बाद नौकरी ना हो। नौकरी क्या कहलाती है? आप लिखा देख पा रहे हो, नौकरी क्या कहलाती है? नौकरी कहलाती है आपके जो घुटने हैं वो बिल्ला नहीं चाहिए थी इस तरह से, जब आप घुटने जोड़े तो नौकरी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पैर आपके फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आर्मी की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो, अगर आपके पीछे नीचे से चिकने पैर हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट, कान खोल कर सुनना, इन सब चीजों की समस्या का समाधान योग में है। नौकरी की मैं बता चुका हूं सांस फूलना। अब अगर आप कहोगे तो एक फ्लैट फुट जिनके होते हैं उन पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। क्लियर है? जिनके फ्लैट फुट हैं तो अगर आप योग करेंगे तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। अगली बात, आंखों को लेकर कुछ स्पेशल नहीं कहा है। आर्मी में जैसा लिखा रहता है 6x6 की आंखें चाहिए हैं, तो इस तरह की कोई चीज नहीं है। बस उन्होंने कहा है कि नॉर्मल आंखें जो होती हैं वो चाहिए, क्योंकि आपको एक जेल प्रहरी बनना है। तो आंखों को लेकर बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। मेडिकल में आपकी आंखें एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो तो वो आपकी चल जाएंगी। तो ये थी शारीरिक, जो शारीरिक मापतौल थी। आगे एज लिमिट की बात करते हैं, तो कम से कम 18 साल आपकी होना चाहिए। ये 18 साल 1 जनवरी 2020 को होना चाहिए। अब जरा समझना आसान भाषा में, यदि आपका बर्थडे 1 जनवरी 2020 के बाद आया है तो फिर, और आप 18 साल के हुए हो, मतलब इसी साल 2020 में 1 जनवरी 2020 के बाद आपका बर्थडे मना है, तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते, आप 17 साल के हैं। क्लियर है? यदि आपकी एज 1 जनवरी 2020 के पहले 20 साल की हो गई होगी तब आपका ये कंसीडर किया जाएगा कि आप 18 साल के हैं। इस समय 18 साल के होने से मतलब नहीं है। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज अलग अलग है, मिनिमम एक, न्यूनतम उम्र सबके लिए बराबर है 18 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम एज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 33, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट रहेगी। इसके अलावा नगर सैनिक या जो जिनको विक्रम पुरस्कार मिला है, मध्यप्रदेश का पुरस्कार होता है, अगर विक्रम पुरस्कार मिला है तो उनको भी 5 साल की रियायत रहेगी। मतलब 33 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 38 साल आ जाएगा। मतलब 1985 में अगर आपका बर्थ हुआ है और अगर आप एससी एसटी ओबीसी नगर सैनिक विक्रम पुरस्कार, और एक और चीज महिला है, गर्ल्स के लिए ध्यान रखें, अनरिजर्व कैटेगरी की जो महिला है, मतलब पूरी जितनी भी गर्ल्स फॉर्म भरेगी तो उनको जो है ध्यान रखना है 5 वर्ष की छूट रहेगी। मतलब वो 38 साल की महिला फॉर्म भर सकती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल की। तो फिजिकल से पहले रिटर्न होगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। रिटर्न जो भी क्वालिफाइड करेंगे, सबसे पहले रिटर्न है, फिर फिजिकल है, इसके बाद मेडिकल है, इसके बाद ध्यान रखना अभी भी एक रेयर बाकी है, सबसे पहले क्या होगा रिटर्न, इसके बाद फिजिकल, इसके बाद मेडिकल, और इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। इतनी लेयर होती हैं। क्लियर है? हर एक, आप ये मत समझना कि आप मेडिकल क्रॉस कर गए तो डॉक्यूमेंट में भी कई लोग बाहर होते हैं। इसलिए देखो, आप लिखित परीक्षा में जितने लोग भी सफल होंगे 10 गुना मनाए जाएंगे। अगर 400 वैकेंसी है तो 4000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल के लिए आप ध्यान से देखना जरा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो आपको स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उसको मैं समझाता हूं। दौड़ होगी सभी की 800 मीटर, सबकी, पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिक की। क्लियर है? पुरुषों को ये दौड़ कवर करनी होगी 2 मिनट 50 सेकंड में, 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 50 सेकंड में। महिलाओं के लिए ये दौड़ 4 मिनट में कवर करनी होगी। क्लियर है? कितने मीटर? 800 मीटर। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, होमगार्ड वगैरह के, तो उनको 800 मीटर दौड़ 3 मिनट 50 सेकंड में पूरी करनी होगी। इतनी बात आगे समझ में। अब जैसे ही आप दौड़ कवर कर लोगे, लेयर है लिखित,
लिखित के बाद दौड़, जब दौड़ कवर अगर नहीं कर पाए तो आपको तुरंत वापस कर दिया जाएगा, आप घर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने दौड़ कवर कर ली इसी मिनट में, इसी मिनट पे, तो फिर आप पहुंच जाएंगे गोला फेंकने पर। क्या होगा इसके बाद? गोला फेंक। तो जो पुरुष होंगे उनको 20 फीट गोला फेंकना होगा और गोले का वजन होगा लगभग 750 ग्राम। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो 7.26 kg लिखा है, मतलब 7.5 किलोग्राम से है। आप प्रैक्टिस करना है आपको, क्लियर है? ज्यादा से प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा हल्का वहां मिलेगा तो और ज्यादा दूरी तक वो जा सकता है। तो 20 फीट की दूरी गिरना चाहिए आपका गोला और वजन होगा गोले का 7.5 का। ये पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जो गोला है वो 16 फीट का फेंकना चाहिए, क्लियर है? और गोले का वजन बहुत हल्का हो जाएगा, 4 किलोग्राम का वजन होगा महिलाओं के लिए और फेंकना है उनको 16 फीट पर। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट फेंकना है और गोले का वजन वही 750 किलोग्राम के आसपास होगा। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो 5 सेक्टर में पेपर होने वाला है। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत लबड़ा हो जाएगा। सिलेबस इस बार महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। अब हम लोग आपके सामने नहीं है, क्लियर है? हम लोग जब आपके सामने नहीं है, कोचिंग जब बंद है, तो आपको लिखित परीक्षा की खुद तैयारी करना है। तो सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेकर हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल वीडियो हम चर्चा करेंगे किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है, क्या सारे पूरी ऑथेंटिक पूरा अनुभव जितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ हम आपको बताएंगे। मैडम को भी साथ में करेंगे, तो वो आपको साइंस हिंदी और जीके के बारे में डिटेल करेंगे, मैं आपको मैथ्स के बारे में और इंग्लिश के बारे में डिटेल कर दूंगा। क्लियर है? तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, बहुत जल्द हम लाने वाले हैं जिसमें हम डिटेल सिलेबस लाएंगे, वो केवल सिलेबस का होगा। अब दो बातें और बची हैं, सैलरी और सैलरी के अलावा यदि बात करें तो अब है आरक्षण की बात, किस पोस्ट पर किस तरह की पोस्ट है और किस तरह का आरक्षण है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, किसी भी जॉब के लिए पैसा कितना मिलता है, और हाँ अगर कोई जॉब दे रहे तो आरक्षण कितना है अदर कैटेगरी के लिए, वो जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम जरा देख लेते हैं, क्योंकि कोविड-19 फैला है, इस वजह से अब ये चीज देखना जरूरी हो गई है कि परीक्षा किन किन शहरों में होगी। तो जो 52 जिले हैं या 55 हो जाएंगे, भरते रखते रहते हैं कांग्रेस बीजेपी के कारण, तो अभी 52 जिले अगर मान लें तो केवल 16 जिलों में परीक्षाएं होनी है। वो जिले कौन कौन से हैं? तो कोविड कोड भी आप ध्यान रखना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार आप ये गलती मत कर देना कि जैसे आपको कई लोगों की आदत होती है भोपाल फॉर्म भरने की या इंदौर। आपको ये देखना पड़ेगा कि कोरोना के वायरस जो है या कोरोना के मरीज सबसे कम कहां पर है। आपको फॉर्म ऐसी जगह पर भरना है जो भले ही आपसे थोड़ा सा दूर पड़ जाए लेकिन आपको सुरक्षित रखे, है ना? क्योंकि भोपाल इंदौर में इस समय आप स्थिति बहुत बेकार है, क्लियर है? तो आप उनको फॉर्म भरने से थोड़ा सा परहेज करना। बाकी आप जो बचे हुए 14 जिले हैं उनमें से भरें तो ज्यादा सही होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरह से प्रोटेक्ट करके जाते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं आय की तरफ। तो आय देखिए, 7वां वेतन मान मानना है भैया, ये अलग होगी। अब पिछला जो भर्ती हुई है वेतनमान को भी समझो पहले। वेतनमान का मतलब होता है 6वां वेतनमान, 7वां वेतनमान। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपका जूनियर है आपको वही रैंक मिलेगी, क्लियर है? आपने सुना होगा कई लोग बताते हैं हम रेलवे में 400 रुपए से शुरू हुए थे लेकिन आज रेलवे में 20,000 से जॉब होती है ना। जो इस समय रिटायर्ड हुए उनकी 400 जॉब रही होगी, क्लियर है? खैर बढ़ते हैं। तो आप जब ज्वाइन करोगे तो 5200 का ग्रेड पे मिलेगा और 20,200 प्लस इंसेंटिव मिला के 1900, मतलब लगभग आपकी जो सैलरी रहेगी पहली वो 22,000 के आसपास रहेगी, जेल पहरी की कम नहीं होगी, है ना? फिर और भी इंसेंटिव वगैरह जोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा। खैर अब इस तरफ देख लेते हैं। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण किस तरह से रहेगा? तो 5 कैटेगरी में आरक्षण रहेगा। यूआर को कोई आरक्षण नहीं होता है अनरिजर्व कैटेगरी को। तो सबसे पहले होता है एसटी, मतलब अनुसूचित जनजाति, सरूर ट्राइब जिसको बोलते हैं, उनको 20% सबसे ज्यादा आरक्षण है। इसके बाद है एससी, एससी मतलब है 16% आरक्षण है, एससी मतलब 16% आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इनको है 27% आरक्षण। और
EWS, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको पहली बार, ये इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, 10% आरक्षण। इसमें आपकी न्यूनतम आय जो हो उसको आप जरूर दर्शाना इस बार, और आप अपना बनवा लेना तो आपको 10% आरक्षण बना देना। क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा है, क्लियर है, तो अब एक बात और ध्यान से रखना, इस कैटेगरी को चुनने में बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब आप देखोगे अनरिजर्व गर्ल्स और ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ लास्ट ईयर का, तो वो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा इस वजह से मैंने बता दिया, और भी डिटेल में आपको वन टू वन वीडियो बना के दे दूंगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, है ना, अगर यूआर में है तो बॉय में कितनी है, गर्ल्स में कितनी है, तो एक ये लिस्ट में आपको छोड़ दे रहा हूं। इसी लिस्ट को देखते हुए इस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं मैथ्स की क्लासों में, जीके की और रीजनिंग की और सारी क्लासों में मिलते रहते हैं, तो आप क्लासों पढ़ने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो ये लिस्ट आपको मैं छोड़े दे रहा हूं, इसको आप आराम से देखते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।